तो हम लोग कल देख रहे थे कि कैसे जो है फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हम किस तरीके से उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके डेरिवेटिव्स को डिराक डेल्टा के फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसी में कुछ और चीजें हम लोग आज नोट डाउन करते हैं। देखो, नोट हम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका नोट है कि इफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ इज गिवन द फॉर्म, ऐसा कुछ अगर आपको दे रखा है इस फॉर्म में, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स प्लस या माइनस जो भी आपका हो बी जी एक्स एंड डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स है अगर इस फॉर्म में हो, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा इस फॉर्म में आपका आएगा। ठीक है, इस पार्ट को हमने क्या बोला था, दिस पार्ट इज द कंट्रीब्यूशन इन दिस डेरिवेटिव फ्रॉम कंटिन्यूअस पार्ट, और ये जो मेरा पार्ट था दिस वन इज द कंट्रीब्यूशन टू द डेरिवेटिव फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस पार्ट। ठीक है, तो उसका हम रिवर्स जो हम कल भी बोल रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इसका रिवर्स में हम बात करेंगे कि कोई आपका फंक्शन का डेरिवेटिव इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो हाँ, तो देन इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, एंड जो आपका ए एच एक्स का जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंटिन्यूअस पार्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंटिन्यूअस पार्ट, एंड ये जो आपका है बी जी एक्स डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। एक डिफरेंस और भी आप नोट करोगे यहाँ पे कि हमने जो बनाया प्रॉब्लम उसमें इधर आपको कांस्टेंट आ रहे थे, जिसको हमने स्ट्रेंथ ऑफ द डिराक डेल्टा बनाम दिया था, गैप हम बोले इसको, गैप अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बट अब इधर आपको क्या है जनरल फॉर्म में क्या आपका है कि इधर कोई फंक्शन भी रह सकता है आपका, यहाँ पे इधर कोई फंक्शन भी आपका रह सकता है। सो बी जी एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस ए, ये मेरा क्या हो गया, इट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस पार्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस पार्ट। एंड कभी कभी ये भी आपको पूछता है कि अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आप पाते हैं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, अभी लोग सॉल्व करेंगे देखना, या पहुंच जाएगा एरिया अंडर डिराक डेल्टा, एरिया अंडर डिराक डेल्टा, और इसका मतलब क्या हो गया, आप वहां पे कट तो नहीं रहे, हाँ इसका मतलब हो गया क्या, इसको आप इंटीग्रेट कर लो आप यहाँ पे, एरिया अंडर डिराक डेल्टा का मतलब हो गया कहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको आप इंटीग्रेट कर लो किसको, सो डिराक डेल्टा वाला जो टर्म है उसको आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ये मुझे क्या देगा आपको, एरिया अंडर डिराक डेल्टा आपको देंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसा हमने देखा क्या कि अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा। ठीक है, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है और एफ डैश डिसकंटिन्यूअस है तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाता है आप वहां पे, है ना, कि एफ एक्स अगर डिसकंटिन्यूअस है और एफ डैश अगर सॉरी एफ एक्स कंटिन्यूअस है और एफ डैश डिसकंटिन्यूअस है तो एफ डबल डैश जो होगा क्या आपका होगा डिराक डेल्टा के फॉर्म में होगा। इसी से आगे बढ़ाते जाएंगे कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है,
एफ डैश भी कंटिन्यूअस है, एफ डबल डैश भी कंटिन्यूअस, एफ डबल डैश क्या आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उसका अगला क्या आपका होगा एफ ट्रिपल डैश, वो क्या आपका होगा डायरेक्ट डेल्टा के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस जो आपका चलता रहेगा आपको। हाँ आज बाकी लोग कहाँ चले गए, सभी को बोले ज्वाइन होने के लिए, बहुत कम दिख रहे हैं, 3-4 लोग गायब हैं आज। अच्छा आप लोग अपना बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसे देखो, हमारा ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या था, डायरेक्ट डेल्टा के फॉर्म में था, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने ये रिजल्ट निकाला। सिमिलरली अगर हम ये बोले कि अगर आपका ये डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर आपका ऐसा होता है और ए एच एक्स प्लस बी जी एक्स एंड डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए आपका इस फॉर्मेट में होता है, डेल्टा एक्स माइनस ए, ठीक है। तो देन इधर हम क्या बोलेंगे कि डी एफ बाई डी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डी एफ बाई इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, हम लोग ये बोलेंगे। और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको क्या होगी, यही आपको होगी अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आपको होगी, यही आपको होगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका ये डिराक डेल्टा का जो टर्म है बहुत यूज होता है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल वहां पर आपका होता है, एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं एक बार देखता हूँ आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपको है क्वांटम मैकेनिक्स आपका होता है, एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पोटेंशियल वी एक्स गिवन बाय, वी एक्स आपका पोटेंशियल है कुछ इस तरीके से आपका है वी नॉट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। देन कॉरस्पॉन्ड जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन होगा, देन कॉरस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी आपका जो पार्टिकल है वो इस तरह के पोटेंशियल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। अब ऐसे पोटेंशियल को हम कैसे कैसे हम समझेंगे, ये आपका पोटेंशियल क्या आपका यहाँ पे है कि जब x इज इक्वल टू ए है उस वक्त आपका पोटेंशियल कितना है माइनस बी नॉट है इस तरीके से, और जब x a नहीं है तो कितना कहाँ पे है जीरो है, ठीक है। तो ऐसा हम फिजिकली इसको हम रियलाइज भी कर सकते हैं ऐसा पोटेंशियल को कि जैसे सीधा से जा रहे हैं जीरो है अचानक से कितना आ गया a आ गया, x इक्वल टू a पे कितना पोटेंशियल आपका वी आपका पोटेंशियल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से कितना हो गया जीरो ऐसा, तो इसे हम इसको जो सडन चेंज होता है उसको हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लो कि टेबल आपका है टेबल, ठीक है। तो जब तक पार्टिकल टेबल पे है मूव कर रहा है उसका कुछ पोटेंशियल आपका वी नॉट होगा, ठीक है। टेबल के एज पे पहुंचा जैसे एज पे गिरा आप वहां पे उसका पोटेंशियल कितना हो गया जीरो हो गया ऐसा सडन। हालांकि ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक क्लासिकल एग्जांपल है, क्योंकि यहां से जैसे टेबल से गिरा तो उसको नीचे जीरो तक आने में कुछ समय लग गया उसको, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें सडन जैसे ए तक जैसे एक्स इक्वल टू ए पे पहुंचे तुरंत से कितना हो जाएगा वी नॉट आपका हो जाएगा जीरो, जो भी आपका होना है वो चेंज कर जाएगा वहां पे, समय नहीं लगना चाहिए आपको वहां पे, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि टेबल पे अगर है टेबल पे एज टेबल के एज पे पहुंचे आपका वो कितना हो गया नीचे आ गया, मतलब कि जीरो समय लगा उसको पहुंचने में, नीचे आने में जीरो समय लगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, एक डायरेक्ट एग्जाम्पल हो गया आपका वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम रियलिटी में इसको हम बात करें तो रियलिटी में क्या आपका होता है कि दो वायर आपका मान लो इस तरह के सामने कनेक्ट किया है, एक दूसरा वायर है मान लो कॉपर का है या कुछ एल्यूमिनियम का वायर है आपका वहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है पोटेंशियल जीरो कर रखा है, इसमें पोटेंशियल जीरो कर रखा है, इसके लिए हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया है और जहाँ कनेक्शन उसके बाद हमने क्या कर रखा है भूभ्र कर रखा है, दो वायर है इस तरीके से मेरे पास कॉपर अल्मोनियम, ठीक है। एक मिनट, हाँ
तो इसमें आपका जीरो है, इसमें आपका क्या हो गया, भी नोट आपका पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको आ रहे हैं, तो जब तक ये कॉपर के वायर में है तब तक कितना आपका है पोटेंशियल, इसमें जीरो है। ठीक है, जैसे ही ये बाउंड्री पे पहुंचे, जैसे ये बाउंड्री पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, इसका पोटेंशियल भी नोट हो गया, सडन चेंज आपका हो गया, है ना। तो इस तरीके का एग्जाम्पल्स हमारे पास है रियल लाइफ में, जहाँ पे ये हम डायराक डेल्टास का जो बिहेवियर है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही है कि क्वांटम मैकेनिकली आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है पोटेंशियल में, जिसका जो आपका है माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस ए आपका ऐसा है। तो जो अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन होगा, आप सभी को पता है वहां पे कितना आपका हो जाएगा, सो इट इज डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस टू एम ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर, और आपको हो गया साई एक्स एंड माइनस टू एम वी नॉट और डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर एंड डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए और इंटू आपको कह गया कि साई एक्स हो गया, ये इंटू साई एक्स हो गया। ठीक है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया। यहां से आप इसको देख पा रहे हो, वहां पे इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका साई एक्स है, जो आपका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन है वे फंक्शन जो आपका आएगा साई एक्स, वो साई एक्स जो है आपका यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए पे कैसे आपका होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा आपका यहाँ पे, ये उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सिंस सेकेंड डेरिवेटिव जो आपका है, सेकेंड डेरिवेटिव रिलेटेड या फिर इज रिलेटेड टू डायराक डेल्टा, सेकेंड डेरिवेटिव इज डायराक डेल्टा, सो देयरफॉर डी साई बाय डी एक्स जो आपका होगा वेरी डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या आपका होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं इस इक्वेशन को, हम क्या बोलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आप कल पूछ रहे थे कोई कि हाँ सर कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने जाकर सोचा कि भाई इसको तो हम लोग सॉल्व करते हैं आसानी से हम लोग, तो अभी मैं इसको बताऊँ कैसे सॉल्व करना होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपस में मुझे क्या मिलना चाहिए, साई मिलना चाहिए था, या अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इसकी इसकी मैं बात करूँ इसकी, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा वापस से, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, एफ मिलना चाहिए था मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पे थोड़ी देर में, आसान सा है सॉल्यूशन। हाँ, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है क्या, कि ये जो आपका डी साई बाई डी एक्स है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, एंड अगर मुझे चाहिए कि ये कितने से डिसकंटिन्यूअस, आपका यहाँ पे गैप कितना है, सो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आपको हो गए, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आपको हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डायराक डेल्टा का जो टर्म है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास आ जाएंगे टू एम वी नॉट डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर और साई एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए और डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल गिव मी द अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि कितना गैप है उनके बीच में। तो क्या करना है इसको, यहाँ पे ये आपका फंक्शन हो गया, आपका ये डायराक डेल्टा हो गया, इसमें जहां जहां एक्स उधर आप क्या पुट करने वाले हो, ए पुट करने वाले हो, तो आपको जाएंगे सिंपली इतना और आपको जाएंगे साई इंटू ए, दिस वन इज माई अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, ठीक है, चलो तो ये हमने एक अपना फिजिकल एग्जाम्पल लिया, फिजिक्स से हमने एक एग्जाम्पल लिया, जहाँ जो हम लोग जनरली हम लोग इसको यूज करते रहते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम उनकी बात करते हैं। अब कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो। क्या लिया, चलो एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लेट वाई एक्स
बी कंटिन्यूअस रियल फंक्शन इन द रेंज ऑफ 0 to 2 सेटिस्फाइंग द इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू इज आपके पास ऑप्शन से आपका सी एस आ गया क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये है मैंने लिखना भूल गया इज कंटिन्यूअस ऑप्शन नंबर बी आपका है हैज ए डिस्कंटिन्यूटी ऑफ 3 ऑप्शन नंबर सी आपका सेम हैज ए डिस्कंटिन्यूटी ऑफ हैज ए डिस्कंटिन्यूटी ऑफ 1/3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका हैज ए डिस्कंटिन्यूटी ऑफ 2 चलो अब तो आप बड़े आसानी से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर आ जाएगा ये ओप्पो F5 किन का है मैं बाबा बोल रहा हूं अपना नाम चेंज करें कौन है मुझे पता नहीं चल रहा है ठीक है मैं 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि अपना नाम उसमें आप चेंज करें ताकि हमें पता चले कौन अटेंड कर रहा है क्लास ओप्पो F5 किसका नाम आ रहा है इसमें प्लीज अपना नाम चेंज कर ले जो भी आपका नाम है चलो इसका आंसर बताओ चलो ये ओप्पो F5 लगता है मेरी बात समझ नहीं रहे हैं सुन नहीं रहे हैं मैं इनको अब डिस्कनेक्ट करूंगा ठीक है आवाज आ रही है मेरी तो आप ओप्पो F5 जिनका नाम आप चेक कर लें कि इनका नाम है ओप्पो F5 अपना नाम प्लीज चेंज कर लें चलो मैं इनको अब ये करने वाला हूँ रिमूव कर रहा हूं मैं ओप्पो F5 देख लो अपना नाम चेंज कर लेना जो भी आप हैं तो मुझे पता चलेगा हमारे स्टूडेंट है कि कहीं बाहर से कोई अटेंड कर रहा है क्या अटेंड कर रहा है पता तो होना चाहिए मुझे एटलीस्ट क्योंकि ये चीजें मैंने झेल चुकी है ना हमारा जो बैच जैम के स्टार्ट हुआ था उसमें कहां से कुछ कुछ लोग आ गए और सारे गड़बड़ कर दिया उन्होंने मैंने चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा हो
चलो नहीं बना कि नहीं, ये देखो आप क्या करोगे, आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना तो समझ में आ गया कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपका क्या है, डायरेक्ट डेल्टा का टर्म प्रेजेंट है आपका यहाँ पे, और ये सेकंड डेरिवेटिव आपका यहाँ प्रेजेंट है, तो ये कंफर्म हो गया मेरे पास कि dy बाई dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या आपका होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मुझे समझ में आ गया देखते ही, ठीक है। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है तो आपका ये जो dy बाई dx के बारे में पूछ रखा है इज कंटिन्यूअस है ना, x इक्वल टू पाई बाय टू, तो ये तो आपका गलत हो गया आंसर, ए नंबर तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब बी सी डी तीनों के आपके पास है डिसकंटिन्यूटी, हैज अ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी मुझे क्या करना है, ये जो डायराक डेल्टा का टर्म है मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो पहले हमारा फॉर्मेट था, पहले मैं उस फॉर्मेट में इसको लेकर के आऊंगा, मेरा जो फॉर्मेट था वो क्या था, यहाँ पर कोई डी टू वाई बाई डी स्क्वायर थे, फिर डी वाई बाई डी टर्म था कहाँ पे, और यहाँ पे टर्म था, मतलब ये आपका जो टर्म है डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर वो मेरा क्या है, सिंगल होना चाहिए वहां पे, ये ठीक है। तो अभी आपके ये साइन एक्स इधर मल्टीप्लाइड है तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसको आप इधर ले आओ, इसको अगर तो माइनस ऑफ कॉस एक्स बाय आपको जाएंगे साइन एक्स से आप डिवाइड कर दिया आपने सभी तरफ, और प्लस वन बाय साइन एक्स, वन बाय साइन एक्स और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई टू, ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये तो कहीं भी कोई आंसर नहीं आएगा आपका, एक मिनट में चेक वन करता आएगा। हूँ। हाँ ये आंसर तो वन आना चाहिए, मैं एक बार चेक करता हूँ, हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सी है, वहाँ सी ने होकर के वन इसका आंसर आएगा, यहाँ पे सी ने होकर के यहाँ पे वन होना चाहिए वहाँ पे, या फिर ये थ्री, तो ये आपका ये वन आपका कर दो, इसको ऑप्शन में बी को आप वन कर दो, सी वन और टू, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम लोग देखते हैं समझ में क्या ऐसा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस वन इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंटिन्यूअस पार्ट, दिस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंटिन्यूअस पार्ट, और ये जो आपका है ये मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस पार्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस पार्ट, ठीक है, ये आपको हो गए। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ जो आपका हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आपको हो गए, इसको आप जस्ट इंटीग्रेट कर दो माइनस टू इन्फिनिटी, इट इज वन बाय साइन एक्स और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस पाई बाय टू डी एक्स, इधर आप एक्स के हिसाब से क्या पुट कर दोगे, पाई बाय टू पुट कर दोगे, तो साइन पाई बाय टू आप हो जाएंगे, ये हो जाएगा कहाँ पे, ठीक है। छोटा सा आपका क्वेश्चन हो गया, चलो उसी तरीके से एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका जेआरएफ का क्वेश्चन था, 2012 का क्वेश्चन था जेआरएफ का, और ये देखो एक जेस्ट का क्वेश्चन है, 2016 का होगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कंसीडर दी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन वाला असाइनमेंट जो उसमें दिया हुआ होगा उसमें देख लेना आप यहाँ पे, देन क्वेश्चन इज Which of the following statements is true? ठीक है, अरे यार जस्ट अ मिनट, ये नेटवर्क हाँ